नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गुमला जिले के सिसई थाने की पुलिस ने PLFI उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बसिया थाना क्षेत्र के शनिचर टोली निवासी PLFI के नक्सली ओम प्रकाश पाठक को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में सिसई थानेदार अनिल लिंडा ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली के विरुद्ध 11 नवंबर 2020 की रात उसी से प्रखंड के दिलकी मोड़ के पास 5 लोगों के द्वारा हथियार लहराने और फायरिंग कर दहशत फैलाने का काम किया गया था। घटना की सूचना पर पुलिस कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार की थी। अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया था। तीनों से पूछताछ के क्रम में ओम प्रकाश के अतिरिक्त एक और व्यक्ति का नाम सामने आया था। इस मामले में 5 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कांड के 3 आरोपी पहले जेल जा चुके हैं। इधर ओम प्रकाश को भी पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि ओम प्रकाश लंबे समय से PLFI संगठन से जुड़कर सिसई बसिया क्षेत्र में दहशत फैलाने और रंगदारी वसूलने का काम करते आ रहा था। यह पूर्व में भी जेल जा चुका है। तिलकी मोड़ के पास 2020 में लोगों के बीच भय बनाने के लिए प्रतिबंधित संगठन PLFI के सदस्य लक्ष्मण तिर्की उर्फ लच्छू के द्वारा 2 राउंड फायरिंग किया गया था। उसके उपरांत पुलिस के द्वारा उसके पास लक्ष्मण तिर्की उर्फ लच्छू के पास से 2 देसी कट्टा एवं गोली बरामद की थी और सिसई थाना कांड संख्या 156/20 दिनांक 20/11/2020 धारा 25(1)(b)(a) 26(8) एवं 17(41) का कांड अंकित किया गया था और पकड़े गए अभियुक्त लक्ष्मण तिर्की के द्वारा कन्फेशन स्टेटमेंट में बताया गया था कि इस कांड में इनके अलावा अन्य और 4 अभियुक्त राजेश टाइगर, राजेश नायक उर्फ राजेश राम, दीपक भुइया और ओम प्रकाश पाठक भी शामिल था। इस कांड में अन्य वांछित अभियुक्त को राजेश नायक को इस कांड में रिमांड किया गया था और इस कांड में फिरार चल रहे ओम प्रकाश पाठक को कल बसिया थाना अंतर्गत उसके घर से गिरफ्तारी हुई है और उसे आज जेल भेजा जा रहा है। और लक्ष्मण तिर्की जिसके पास से ये 2 देसी पिस्टल एवं गोली बरामद हुआ था उसके द्वारा कन्फेशन स्टेटमेंट में बताया गया था कि सिसई थाना अंतर्गत कृष्णा गोप के मृत्यु होने के पश्चात इन्हीं लोगों को PLFI का दबदबा बनाने के लिए सिसई थाना अंतर्गत जिम्मेवारी दी गई थी और ये 4 व्यक्ति जो सिसई थाना अंतर्गत PLFI संगठित को मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रहे थे। राजेश नायक उर्फ राजेश राम जो कि कामडारा थाना अंतर्गत सरिता गांव के हैं और ओम प्रकाश ठाकुर जो कि बसिया थाना अंतर्गत पड़ता है और एक अभियुक्त जो इसमें सुपा का है सिसई थाना अंतर्गत का ही जो कि अभी फिरहार चल रहा है और एक अन्य अभियुक्त था जो कि राजेश टाइगर जो कि अभी जेल में है उसे रिमांड लेने के लिए भी प्रतिवेदन दिया गया है।